इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट कम्पेशन द मोस्ट मर्सीफुल शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहत रहम करने वाला है शुरू अल्लाह के नाले सेबान निहत रहम कदड़ है एस ऑलवेज आई कमेंट्स टूडेज लेक्चर विद ब्यूटीफुलंस ऑफ ग्रेट पोइट ऑफ सिंह शाह बुटाई रहमी वंडरफुलज पोइट्री जेदो तुझो नाव बाई मंगा जेदो तुझो नाव

मतलब सीरियसनेस मेरे चेहरे पर होती है तो लेकिन ये मेरी जो ना नेचर से थोड़ा हटकर है मतलब आम तौर पर जो मैं रियल क्लास में पढ़ाता हूँ ना तो मतलब वहाँ पर मैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता लेकिन क्योंकि मीडिया के सामने मतलब वन हैज टू बी वेरी केयरफुल मतलब बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं मतलब जो ना जो मेरे व्यूअर्स हैं मतलब सुनने वाले और देखने वाले वो मतलब जो ना थोड़ा सा मतलब मेरी चीज़ मजाक को गलत ना लें तो ये चीज़ में रखकर जो ना मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब सीरियसनेस हो एंड वैसे भी मतलब स्टडी में पढ़ाई के दौरान तो जो ज़्यादा चीज़ मतलब मैटर करती है देर इज सीरियसनेस कि अगर उस्ताद जो है मतलब टोटली totally फोकस कर रहा है अपना जोकिंग पर या मजाक पर और जो असल मकसद है पढ़ाने का उससे अगर वो हट जाएगा तो मतलब फिर तो वो सारी जो बात है ना वो बेसूद हो जाएगी मतलब वो मुफीद हमारे लिए नहीं रहेगी तो ज़्यादातर मतलब ये जो ना बात जहन में होती है इस वजह से जो, जो ना मैं सीरियस रहता हूँ लेकिन मतलब बाय नेचर में वैसा हूँ नहीं बाय नेचर जो है मैं मतलब क्लास में मजाक वगैरह भी करता रहता हूँ सो so, ये चीज़ जो ना आप लोगों से शेयर करनी थी ठीक है अच्छा नाव यू नो आफ्टर ब्यूटीफुल लाइन्स ग्रेट पोइट ऑफ सिंध शाहमारे बच्चों इसके अलावा एक बात और भी आप लोगों से शेयर करनी थी वो ये है कि अगर कोई तालबिल ऑनलाइन लाइव ऑनलाइन मतलब क्लासेस लेना चाहता है इंग्लिश लैंग्वेज की ठीक है ना तो मतलब मैं उसके लिए भी जो ना अवेलेबल हूँ ठीक है तो मतलब वो अगर क्लास uh, लेना चाहते हैं ऑनलाइन तो मैं अपना जो ना स्क्रीन पर अपना नंबर दूंगा ठीक है तो आप भले मुझे राबता कीजिएगा तो मैं उस हिसाब से जो ना फिर आपको ऑनलाइन भी पढ़ाना शुरू कर दूँगा इन ठीक है सो नाउ वी कम टू आर रिमेनिंग पॉइंट्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सो लेट स्टार्ट रूल नंबर थर्टीन अबाउट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टेल्स वेन टू सिंगुलर नाउन सजेस्टिंग वन आइडिया सिंगुलर वर्ब सिंगुलर आइडिया टेक सिंगुलर वर्ब ठीक है बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जब दो सिंगुलर नाउन्स लेकिन वो दो नाउन्स भले मिले लेकिन उनका आइडिया जो ना आइडिया वो एक हो जब टू नाउंस मिलकर एक आइडिया देंगे तो वहां पर ये बात नोट कर लें कि वहां पर देख लें वो अपने साथ क्या लेगा सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सिंगुलर वर्ब वर्ब ठीक है वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा कभी भी वो प्लुरल वर्ब अपने साथ नहीं लेगा ओके वी मूव टुवर्ड्स इट्स एग्जांपल एग्जांपल नंबर वन दैट इज बाइंग बुक्स एंड सेलिंग डैम बाइंग बुक्स एंड सेलिंग डैम इसमें बेटा ये बाइंग जो है यह नाउन है मतलब वर्ब में से हमने इसको नाउन बनाया इसको दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं वर्बल नाउन मतलब वर्ब से बना हुआ नाउन सोल so हमने इस जुमले में दो नाउन इस्तेमाल किए हैं वर्बल नाउन जिनको जेरन भी कहा जाता है बाइंग बुक्स एंड सेलिंग डैम इज हिज बिजनेस बाइंग बुक्स एंड सेलिंग देम इज बिजनेस किताबें खरीदना और उन्हें बेचना उसका कारोबार है किताबें खरीदना और उन्हें और उन्हें बेचना उसका कारोबार है अच्छा बेटा अब देख लें ये जो मैंने अभी कहा ना कि ये जो व में से हमने नाउन बनाया है जिसको हम दूसरे अल्फाज में वर्बल नाउन कहते हैं या जेरन कहते हैं ठीक है इसकी उर्दू में उर्दू में इसकी उर्दू में पहचान होती है ठीक है इसकी उर्दू में पहचान होती है आखिर में जब हम उसको उर्दू का वर्ड लेंगे ना तो उसके एंड में आता है नून ना अब चले मैं एक दो मिसालें दे देता हूँ समझाने के लिए ठीक है बेटा देखें जिस तरह यहां पे लिखा हुआ है खरीदना बेचना देख लें खरीदना नून ना बेचना नून ना पढ़ना रीडिंग पढ़ना उन्होंने लिखना 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 उन्होंने ठीक है राइटिंग जिसको हम कहते हैं राइटिंग मतलब देख लें, जी फॉर्म जी फॉर्म जी फॉर्म तो मतलब ये ये अच्छा एक बात और भी है मतलब कंफ्यूज खुद को मत कीजिएगा ये बाइंग सेलिंग जेरंड या वर्बल नाउन के अलावा भी होता है लेकिन वो फिलहाल क्योंकि हमारा लेक्चर जो है वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड तो एक दूसरी चीज भी मतलब इसमें इस तरह की आपको मिलेगी बुक्स में तो मैं उसका नाम फिलहाल नहीं बता रहा क्योंकि हम जो ना फिर टॉपिक से हट जाएंगे तो जो हमारा टॉपिक है मैं उसके हिसाब से चलूंगा ठीक है बेटा आई रिपीट बाइंग बुक्स एंड सेलिंग देम इज इस बिजनेस किताबें खरीदना और उन्हें बेचना उसका कारोबार है ठीक है दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर वन ठीक दैट बिलोंग्स टू रूल नंबर थर्टीन That belongs to rule number 13 Example number 2 of rule number 13 is Ali's knowledge and wisdom is laudable. I repeat, Ali's knowledge and wisdom. dekh le knowledge noun hai wisdom noun है, इन दोनों को end के जरिए मिलाया गया है, जिस तरह ऊपर buying and selling को मिलाया गया था, end के जरिए, लेकिन idea एक ही आया था, जो idea था वो एक ही था नीचे वाली एग्जाम्पल में भी इस तरह है अली इज नॉलेज एंड विजडम इज लॉडबल बेटा लॉडबल का मतलब होता है काबले तारीफ कमेंडेबल प्रेज वर्दी मतलब जिसकी हम तारीफ करें ठीक है ना तो जिसकी तारीफ की जा रही है तो मतलब वो काबले तारीफ चीज कहलाती है तो उसको कहा जाता है लॉडबल प्रेज वर्दी लॉडबल ठीक है राइट बेटा सो दैट वॉज रूल नंबर थर्टीन नाउ वी मूव टूवर्ड्स रूल नंबर फोर्टीन There tells any noun in apposition takes singular verb. I repeat, any noun in apposition takes singular verb. You know, before I tell you more about this rule, let me talk about this particular term apposition. ठीक है ना बेटा? मतलब डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा मैं इस टर्म के बारे में बता दूँ। Apposition से मराद होती है कि कोई भी noun subject कोई भी नाउन सब्जेक्ट जिसके मुतलिक हम मजीद इंफॉर्मेशन दें जिसके मुतिक हम मजीद डिटेल दें अबाउट विच वी गिव मोर इंफॉर्मेशन ठीक रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर नाउन सब्जेक्ट दैट टर्म इज कॉल्ड एपोजिशन ठीक है सो एनी नाउन इन एपोजिशन टेक्स सिंगलर वर्ब कम टू इट्स एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल नंबर वन द प्रिंसिपल कॉमा प्रिंसिपल कॉमा देख लें मैंने अभी क्या कहा था कि कोई भी नाउन सब्जेक्ट ठीक है रूल में भी लिखा हुआ है एन इन एन अपोजिशन ठीक है ये प्रिंसिपल नाउन है द प्रिंसिपल कॉमा विद हिज टीचिंग स्टाफ अब ये जो विद हिज टीचिंग स्टाफ जो ना है ना ठीक है ये है इसकी नाउन की एपोजिशन इसकी डिटेल ये विद हिज टीचिंग स्टाफ दैट इज द डिटेल ऑफ नाउन प्रिंसिपल ठीक है so the principal comma with his teaching staff comma is in the office i repeat the principal comma with his teaching staff comma is in is in the office right better now we move towards another example of same rule rule number 14 that is the television comma including dvd player comma i repeat the television comma including dvd player comma cost me Rupees 25,000. Okay, so, this was rule number 14, wherein I told you two, two examples. Okay? So, now we come to the next rule of subject-verb agreement, that is rule number 15, that tells when two singular noun subjects joined by or nor. नीड सिंगुलर वर्ब आई रिपीट वेन टू सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय और नॉर नीड सिंगलर वर्ब कम टू इट्स एग्जाम्पल नीदर फूड नोर वोटर बेटा यहां पर देख लें ये फूड नाउन है और ये वोटर भी नाउन है यहां पर देख लें दो वर्ड्स लिखे हुए और ए नोर उनको मिलाया गया है ठीक है उनको मिलाया गया है नॉर से ठीक है लेकिन लेकिन देख लें जो उनके बाद वर्ब लगा है वर्ब वो लगा है सिंगुलर हालांकि हमारे पास दो नाउन यहां पर आ रहे हैं ठीक है ना ठीक है लेकिन मतलब जो वर्ब लगा है वो लगा है सिंगुलर अच्छा एक बात और मजीद बता दो आपको ठीक है बेटा एक बात और ये है कि ये जो वर्ड और एन नॉर और जो है वो पॉजिटिविटी को शो करता है और जो नॉर है वो नेगेटिविटी को शो करता है मतलब पॉजिटिव अगर हम सेंस देना चाहते हैं किसी में तो वो होगा और और अगर हम नेगेटिव सेंस मतलब देना चाहें मनफी मतलब हम सेंस देना चाहें सेंटेंस में तो वहां पर होगा नॉर ठीक है इसके अलावा भी हम इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं वो इस तरह हम मैं, ए, 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 एक दूसरी एग्जाम्पल आपको बताता हूं आ और आ सोरो डिपेंड्स ऑन आर एक्शन इसका मतलब यह होता है कि हमारी खुशी और हमारा गम उसका एनएसआर होता है हमारे एमाल पर आ रिपीट लुक 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 आपीनेस और आ सोरोपेंड्स ऑन आर एक्शन सही है बेटा अच्छा आपको थोड़ी सी शायद प्रेनउंसिएशन का मे बी थोड़ा सा मे बी मैं कह रहा हूँ मे बी थोड़ा इशू हो बेटा यहां पर देख लें मैं इसको अवर नहीं पढ़ रहा अवर ओ यू आर को मैं अवर नहीं पढ़ रहा मैं इसको पढ़ रहा हूं आ मतलब उर्दू में हम कहते हैं ना जिसको अलीफ मद आलिफ मद आ मैं पढ़ रहा इसको ठीक है ना क्योंकि जो नेटिव स्पीकर मतलब स्पेशली ब्रिटिशर्स ठीक है स्पेशली ब्रिटिशर्स वो इसको पढ़ते हैं आ लाइक फॉर एग्जाम्पल आ स्टूडेंट ठीक है आ टीचर्स तो देखें क्या पढ़ा जा रहा है आ तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना फिलहाल ये प्रोनाउंसिएशन का जो ना ये चैप्टर ही अलग है उस पर आप फोकस करना ही नहीं ठीक है क्योंकि मैंने यहां पर जो ना यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है लेकिन मैं अभी आपको क्लियरली भी बता रहा हूं कि आ का मतलब होता है ओ यू आर आ जिसको हम लोकली पढ़ते हैं अवर लोकली हम पढ़ते हैं अवर ठीक है ना तो मैं कह रहा हूं कि आ हैप्पीनेस और ओ आर ठीक है आ हैप्पीनेस और आ डिपेंड्स ऑन आर एक्शंस हमारी खुशी या हमारा गम जो है वो इनसार करता है हमारे एमाल पर हमारे एमाल पर ठीक है सो नाउ वी मूव टूवर्ड्स रूल इज रूल नंबर दैट टेल्स सम नाउंस आर प्लूरल बाय लुक इससे मुराद ये है कि कुछ नाउन जो होते हैं ना वो देखने में देखने में बाय लुक का मतलब है देखने में सम नाउंस आर प्लूरल बाय लुक कॉमा बट

ठीक है तो इसको हम सिंगुलर में ले रहे हैं शुमारियात एक दिलचस्प मजबून है कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सेम रूल देर इज रूल नंबर सिक्सटीन दैर इज सेम एस विंडोज अच्छा देख लें हमारे दिन में अब क्या होगा विंडोज ये तो खिड़कियां हो गया खिड़कियां नहीं है भाई देख लें आगे जुमले में भी कुछ समझाया गया ठीक है ना देख लें क्या लिखा हुआ एम एस विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज वाइडली यूज इन द वर्ल्ड अब देख लें क्या लिखा हुआ एम एस विंडोज इज एन इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम के ये भाई एक ऑपरेटिंग सिस्टम है है नहीं हो रहा उर्दू में एम एस विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है इन सिंधी आई से एम एस ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ मीनिंग है जिसको हम उर्दू में कहते हैं ठीक है सो एम एस विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज वाइडली यूज इन द वर्ल्ड विच इज वाइडली यूज इन द वर्ल्ड सो आपने देखा कि आज के लेक्चर में हमने रूल नंबर थर्टीन से लेकर रूल नंबर सिक्सटीन तक पढ़ा मतलब अगर हम इनको इफ वी कंबाइन दें देन रूल नंबर वन से लेकर आज तक जो हमारे रूल्स हुए वो हुए सिक्सटीन ठीक है अभी भी मजीद uh, कुछ रूल्स हैं देर आर फ्यू यू नो रिमेनिंग रूल्स अबाउट सब्जेक्ट फॉर अग्रीमेंट विच वी आर गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट लेक्चर एंड अगेन अगेन यू नो आई आई वॉन्ट टू शेयर विद यू पीपुल देट बेटा इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन देन आई एम गोइंग टू यू नो गिव यू माई नंबर देर इज 3 at zero at three double five I repeat zero triple three two at zero at three double five so this is my whatsapp number you may contact me uh, uh, eight or on this uh, number inshallah then uh, we are together to learn uh, more English so we are going to meet very soon in our next video uh, where uh, wherein I would uh, teach you some more you know rules about subject verb agreement so as usual I uh, end टू डेज़ लेक्चर विद द ब्यूटीफुल दुआ बाई होली प्रॉफिट यू वुड सई रबी ओ माई लॉड इनक्रीज़ माई नॉलेज ओ ओ ओ ओ ओ मेरे अल्लाह मेरे इल में इजाफा कर ओ मुझा रब मुझे इल्म में इजाफो कर अन टल नेक्स्ट वीडियो असल वरह वा बबा